हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन पतंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पूरे महीने के दिसंबर के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2022 को अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रहरी ऐप। प्रहरी ऐप इन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 29 दिसंबर 2022 को छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार विश्व जनसंख्या 2023 तक कितने बिलियन पहुंचने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ए 7.9 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के दिग्गज पेले का 29 दिसंबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो फ्रेंड्स ये थे ब्राज़ील के, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में वित्त मंत्रालय ने 5 साल के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर कितनी फीसदी कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 30 दिसंबर 2022 को अल्माटी कजाकिस्तान में FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी ने क्या किया है 30 दिसंबर 2022 को अल्माटी कजाकिस्तान में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तट रक्षक ने समुद्री निगरानी और पाबंदी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कितने मल्टीक्रॉप्टर ड्रोन के पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मल्टीक्रॉप्टर ड्रोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 दिसंबर 2022 में किस समुद्री क्षेत्र में सुखोई लड़ाकू विमान से एक जहाज लक्ष्य के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइप्रस, भारत और साइप्रस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार का समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रभु चंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट एटलस के अनुसार भारत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत रहा है 5वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसमें पहला वाला ए, 5th प्लेस, यानी कि 5वें स्थान पर। ठीक है फ्रेंड्स, भारत टेस्ट एटलस के अनुसार सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 58वां BSF स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स 1 दिसंबर 2022 को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है फ्रेंड्स PT ऊषा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है Mpox, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत कितने समय के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर 2022 को, मनाया गया है अभी दिसंबर 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर 2022 को मनाया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम
हरियाणा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ AAAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो भारत ने संभाली है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 2022 को अभी मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है विजेंद्र शर्मा को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विजेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर पराक्रम दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो पराक्रम दिवस मनाया गया था अभी अभी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 दिसंबर 2022 को छठवीं वंदे मातरम ट्रेन निम्न में से किन स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी? तो यह चलाई जाएगी बिलासपुर से नागपुर के बीच, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 में अंडर 17 एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्नति हुड्डा। नेक्स्ट है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NDDB ने किस पड़ोसी देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, किसने की है? NDDB ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 दिसंबर को, अभी मैंने पीछे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है फ्रेंड, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में मनाया जाता है? एक मिनट फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस का हो जाएगा फ्रेंड्स 5 दिसंबर और इसका हो जाएगा हमारा 4 दिसंबर। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, बाय मिस्टेक मैंने आपको इसका आंसर गलत बता दिया था, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर एक अलग विभाग बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में स्पेन में चल रहे टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल बने हैं, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया 6 दिसंबर 2022 को, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर किस वर्ष साझेदारी पर किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जर्मनी के साथ। नेक्स्ट है, भारत की टेबल टेनिस फेडरेशन TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर RBI बैंकों को उनकी अल्पकालिक फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रेपो दर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, दीना बोलू आल्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दीना बोलू आल्टे बनी है पेरू देश की महिला राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका
टाइम पत्रिका के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन नंबर सीरीज का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीरा बाई चानू ने वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता है। यह चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी कोलंबिया में आयोजित, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की मेज़बानी कर रहा है? तो ये कर रहा है हमारा गोवा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोवा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की मेज़बानी कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया? तो 10 दिसंबर 2022 को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5 से 5% से बढ़ाकर डैश कर दिया है। कितना कर दिया है फ्रेंड्स? 6.9% कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। नेक्स्ट है हमारा, नेत्रहीनों के लिए तीसरी T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में 5 से 17 दिसंबर 2022 तक किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं? तो श्री भूपेंद्र भाई पटेल बने हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है फ्रेंड्स, गोवा में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक 22वां फीफा पुरुष विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो 22वां फीफा पुरुष विश्व कप आयोजित किया गया फ्रेंड्स कतर में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें पीटी उषा को चुना गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंकों से बढ़ाकर डैश करने का निर्णय लिया है। तो कितना करने का निर्णय लिया है फ्रेंड्स? 6.25%, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में नहीं पहुँचा है? तो पोलैंड नहीं पहुंचा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 भारत G20 शेरपा कौन है? तो ये है अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर में LAC पर डैश सैनिकों के बीच झड़प, कई सैनिक घायल। तो इसमें जो रिक्त स्थान दिया हुआ है इसमें भरा जाएगा फ्रेंड्स भारत और चीनी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2022 को तवांग सेंटर में LAC पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प, कई सैनिक घायल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 दिसंबर 2022 से किस देश ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन शायद दोबारा से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है? तो जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अरब देश ने पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 2022 में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर ए UAE ने, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप में किस देश ने क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फाइनल में
प्रवेश किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है, तो तमिलनाडु राज्य ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में जेरेमी फरार को किस संगठन में मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया गया, तो ये मनाया गया 14 दिसंबर 2022 को, ऑप्शन नंबर वन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय फिल्म को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, तो RRR को किया गया है, RRR, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस स्थान पर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक शुरू हुई, तो यह बैठक शुरू हुई थी मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने किस देश को सेमीफाइनल में हराकर फीफा विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 दिसंबर 2022 से किस राज्य में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू होगा, तो ये होगा फ्रेंड्स मिजोरम में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 13 दिसंबर को देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है, तो यह कानून पारित किया गया है न्यूजीलैंड सरकार द्वारा, न्यूजीलैंड देश में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 किस स्थान पर आयोजित करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भोपाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 के महीने के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है, किस देश ने 15 दिसंबर को परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 2022 को, ऑप्शन 16 दिसंबर को मनाया जाता है, या अभी 16 दिसंबर 2022 को मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय तैराक ने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चाहत अरोड़ा ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 से 29 दिसंबर, सूर्य किरण 16 ही है ये, और फिर 16 से 29 दिसंबर 2022 तक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स साल झंडी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में किस राज्य में ओरुनो डोई 2.0 योजना शुरू की गई है, तो यह योजना शुरू की गई है फ्रेंड्स असम में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, असम में ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फीट 1.6 इंच के माप के साथ दुनिया का सबसे छोटा जीवित व्यक्ति कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफशीन इस्माइल गदर जादे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 दिसंबर को किस देश ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स पर साइबर हमला किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर में कौन सा देश उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर से लागू होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में विजेता बना, तो अर्जेंटीना बना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में विजेता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है, तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं लियो बराडकर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
कौन सी टीम ने वालेंशिया स्पेन में FIH नेशंस कप 2022 जीता? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता है ये, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम स्कीम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने फ्रांस से कितने लड़ाकू विमान राफेल खरीदे हैं? तो भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं 36 लड़ाकू विमान राफेल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा विश्व कप 2022 गोल्डन बूट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स किलियन एम्बाप्पे फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी को ट्रैक करने के लिए नवीनतम पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा की ये फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको याद कर लीजिए, कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसमें अदर इसरो की भी दी हुई है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और जाक्सा की दी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और CNSA की दी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये चारों की चारों जो फुल फॉर्म है ये आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री ने दिसंबर 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीपिका पादुकोण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के लिए दृष्टिहीन T20 विश्व कप 2022 जीता है? तो भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2022 को INS मोर मुगाओ युद्ध पोत को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 दिसंबर को किस स्विमिंग खिलाड़ी ने फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाहत अरोड़ा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी दो बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है सरगम चौहान ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो दिसंबर 2022 में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया था 19 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, INSB तारिणी सेलबोट किस अभियान में भाग लेंगी? तो ये लेंगी केप टाउन टू रियो रेस 2023 अभियान में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GST वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 48वीं बैठक 17 दिसंबर 2022 को किस स्थान पर आयोजित की गई? तो यह की गई है लखनऊ नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है? तो सोनाक्षी सिन्हा ने किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औद्योगिक प्रतिष्ठान ने प्रतिष्ठान EEIEI इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता? तो यह जीता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो बगीर को किया गया है, बगीर नामक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच 6वीं संयुक्त कर्मचारी वार्ता GST 20 दिसंबर 2022 को किस स्थान पर आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोन मस्क ने किस पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CEO ऑफ का ट्विटर से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साइट एंड साउंड पत्रिका द्वारा क्यूरेट की गई 2022 के शीर्ष 50 फिल्मों की सूची में से किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RRR को, RRR को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व एथलीट को राज्य विधानसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PT उषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फरवरी में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा फ्रेंड्स UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 22 दिसंबर 2022 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के संबंध में UNSC के किस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया है? तो इन्होंने दिया है पेंटल हेल्थ ऑफ पीस कीपर्स, मेंटल हेल्थ ऑफ अन पीस कीपर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का क्या नाम है जिसे 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य है? तो इसका नाम है गगनयान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जयंती पर हर साल भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो अंतिम पंघल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया हॉकी विश्व 2023 के लिए हरमनप्रीत सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 27 फरवरी से 5 मार्च तक भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस WTT श्रृंखला की मेजबानी करेगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में किस व्यक्ति को ग्रामीण विकास के लिए पहला रोहिणी नायर पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है सेत्र केम संगतम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर से में सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत के रूप में चुना गया सुहेल एजाज खान को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद DSSCI का सर्वश्रेष्ठ रक्षा पद्धति पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UIDAI, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म के गाने को ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, RRR या RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2022 को के रूप में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अभी हाल ही में 24 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 तक पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जापान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 23 दिसंबर को मलेशिया में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है गेटो सोरा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में सित्विनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सित्विनी राबुका प्रधानमंत्री बने हैं फिजी देश के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में तीसरी बार नेपाल के PM कौन बने हैं? तो तीसरी बार नेपाल के PM बने हैं अनिल कुमार लाहोटी
सॉरी पुष्प कमल दहल प्रचंड बनी है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, पीएम बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के सीईओ कौन बने हैं? तो ये अनिल कुमार लाहोटी बने हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया फ्रेंड 26 दिसंबर को, अभी हाल ही में 26 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है? तो ये जो है फ्रेंड्स, ये हैं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को, इन्हें 11 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के अनुसार कौन सा देश 2035 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला गौ अभयारण्य बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पहला गौ अभयारण्य बनाया जाना है, ये वाला आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने दिसंबर 2022 के पूरे महीने के करंट अफेयर्स को पढ़ा है। इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे इस वीडियो में मैंने डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।